हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या हाल है, ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, टाइम है सुबह के 5:20 का। मैं और मेरा बेटा आ गए हैं खेत में, जहाँ ठेकेदार अपनी तूड़ी को सेट वेट करवा रहा है। दोस्तों हमारे इलाके में तूड़ी को भों बुलाया जाता है, तो ठेकेदार भों की जो धाड़ है ना वो सेट करवा रहा है। ठेकेदार ने जो तूड़ी सेल करनी थी दोस्तों वो कर दी है, बाकी ये अपने जानवरों के लिए, भैंसों वगैरह के लिए सेट करके रखवा रहा है ठेकेदार। मतलब ये पूरा साल अब चलनी है दोस्तों, अगली गंदम आने तक। भों की धड़ को सेट वेट किया गया, ठप छप दी गई है दोस्तों। जो तूड़ी की धर को ठप वगैरह दी है ना दोस्तों, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, इन्होंने ठप वगैरह कल दे ली थी। अब दोस्तों इसके ऊपर गारे की तह लगाई जाएगी। आप देख रहे हैं धड़ के इर्द गिर्द हल लगा के अंदर पानी छोड़ा गया दोस्तों। एक बंदा पानी की तह ना वो धड़ के ऊपर फेंक रहा है, आप देख रहे होंगे। हल्का हल्का पानी फेंकने के बाद दोस्तों जहाँ हल लगाए हुए हैं नीचे, यहाँ मट्टी और पानी का मिक्सर बनाया जाएगा अच्छे तरीके से। फिर मट्टी की जो तय है ना वो मोटी तय, वो धड़ के ऊपर लगाई जाएगी। जब आंधी वगैरह आए तो तूड़ी ना उड़ सके और बारिश वगैरह में भी ना खराब हो। धड़ के आसपास इन्हें नीचे मट्टी लगा दी अच्छे तरीके से, जब बारिश आए तो पानी वगैरह नीचे ना जाए। एक भाई पानी फेंक रहा ऊपर और दूसरा मट्टी और पानी का मिक्सर बना रहा है। ठेकेदार सामने खड़ा होकर देख रहा है कि कैसे ये सेट वेट कर रहे हैं। दोस्तों जब पानी और मिट्टी का अच्छी तरीके से मिक्सर बन जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, फिर सारे शुरू हो जाएंगे ऊपर फेंकने के लिए। पहले एक दफा फेंकेंगे, फिर दो दफा, ऐसे 3-4 दफा फेंकेंगे, फिर अच्छे तरीके से ऊपर मिट्टी चले जाएगी धड़ के ऊपर। दोस्तों मैं और मेरा बेटा सेट पर बैठकर देख रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं, धड़ को कैसे सेट कर रहे हैं। दोस्तों ये देखे मिक्सर रेडी हो चुका है, एक भाई ने ऊपर फेंकना शुरू कर दिया है। अच्छा दोस्तों वापसी आ गए हैं तो देखा भाई पौधों को पानी दे रहा है। जो शेड के ऊपर लटकाए हुए हैं ना पौधे, जिनके अंदर गुलदोबेरी वगैरह लगाई हुई है, जो बोतलों के गुलदस्ते बनाए हुए हैं दोस्तों, उनको पानी दे रहा है भाई। और जिनको पानी दे दिया है भाई ने, अब उनको उठा के ऊपर लटका रहा है भाई। दोस्तों ये वाले गुलदस्ते जो शेड के साथ लटकाए हुए हैं, इनको भाई पानी दे रहा है। बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ दोस्तों, और पूरा गुलदस्ता बाल्टी के अंदर रख देता है भाई, अच्छे तरीके से गीला हो जाता है, अच्छे तरीके से उसको पानी मिल जाता है। और दोस्तों साथ मेरा बेटा भी खड़ा होकर देख रहा है, बड़े गौर से देख रहा है, और चू चा लगाई हुई है दोस्तों गुलदस्तों के अंदर, गुलदोबेरी लगाई हुई है। जब इसके ऊपर फूल वगैरह लगेंगे ना गुलदस्ते के ऊपर, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा दोस्तों मेरा बेटा टोकरी उठाकर लेकर जा रहा है सब्जी में अपने दादे अबू को देने। दादा अबू कह रहे हैं कि ले आओ यहाँ से भिंडी वगैरह तोड़ लेते हैं। अच्छा दोस्तों टाइम हो गया है जी 9 का, सारी स्टोर की सफाई वगैरह कर ली है दोस्तों। आज सुबह नहा के नहीं आया, 12 बजे जाके नहाऊंगा क्योंकि आज जुमे का दिन है दोस्तों। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को जुमा मुबारक हो। सफाई वगैरह की है तो अब बोतलें भरने आ गए हूँ पीछे नेस्ले वाले नलके से दोस्तों। तो पीछे मार्केट में चाचा इसहाक और कुछ दोस्त बैठ कर गपशप कर रहे थे, तो उनके साथ में खड़ा हो गया हूँ गपशप करने के लिए, 2-4 मिनट हंसी मजाक करने के लिए दोस्तों। फर्नीचर वाले बैठे हैं दोस्तों, अपना सालन रेडी कर रहे हैं, फिर इन्होंने करना है नाश्ता, और साथ इन्होंने लस्सी वगैरह बनाई हुई है दोस्तों। ये देखें सालन रेडी कर रहे हैं, मिर्चे ही मिर्चे हैं हर तरफ, सब्ज मिर्चे और लाल मिर्चे, उसका बना रहे हैं सालन। लो जी दोस्तों टाइम हो गया 12 का, पहुंच गया हूँ घर कुछ सामान वगैरह लेकर, अब नहाता हूँ फिर जाता हूँ जुमे पर। लो जी दोस्तों जुमा की नमाज अदा कर वापस पहुंच गया हूँ घर। आज मेहमानों की आमद है तो दस्तरखान भी सजा पड़ा है दोस्तों, खाना वाना रेडी है। जब खाता हूँ खाना फिर जाता हूँ स्टोर पर, चावल बने हुए हैं साथ, सलाद वगैरह है साथ, है बीफ नहीं चिकन नहीं या दूसरा है मटन। लो जी दोस्तों खाना वाना खा लिया है, जाने लगा था स्टोर पर तो शहजादी ने अंदर बहुत शोर मचाया हुआ था, तो शहजादी को लेकर बाहर आ गया हूँ घुमाने के लिए। तो बाहर आते ही शहजादी चुप हो गई है, खेलने लग गई है मेरे साथ। और दोस्तों मौसम भी खराब हो रहा है, बादल शादल बने हुए हैं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। लो जी दोस्तों टाइम हो गया नमाज असर का, तो आपका भाई जा रहा है नमाज असर अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ। रास्ते में जाते जाते 2 मिनट फर्नीचर वालों के साथ शुगल मेला लगाते हुए। टाइम है दोस्तों पूरे 6 का, आंधी आ गई है फुल तेज और हवा बहुत तेज चल रही है दोस्तों, और साथ बारिश भी हो रही है। ओके दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।